Assalamu alaikum, Saif Malik is back with new video. Welcome back to my channel. मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है क्या हम अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस खुद पे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो उधर से पे करके आ रहे हैं, क्या आगे से हम जॉब्स करके अपनी फ़ीस अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टोटली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ जनरली 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सिचुएशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एक पहले नंबर पर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके टोटली उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी फ़ीस, उनकी अकोमोडेशन, उनके रेंट से लेकर खाने पीने और कपड़े लेने तक का खर्चा उनका पीछे से आ रहा होता है। तो उन्हें तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती कि हम अपनी फ़ीस खुद अर्न कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे में सबसे पहले बता दूं, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ 100 में से 5 होते हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स आते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनके पेरेंट्स पहले सेमेस्टर की फ़ीस उधर से दे देते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुमने बाकी अपनी फ़ीसिस खुद अर्न करनी है, दूसरे सेमेस्टर में हम तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा इनिशियल टाइम होगा, स्ट्रगल का टाइम होगा, तो थोड़ी बहुत जितने तुम्हारे उससे पैसे कम होंगे वो हम तुम्हें सेंड कर देंगे या भेज देंगे, लेकिन बाकी से तुमने खुद अर्न करनी है, अपने एक्सपेंडिचर, अपना सब कुछ तुमने दोनों सा फाइनेंशियली जितने भी तुम्हें पैसे चाहिए होंगे खाने पीने के लिए, वो तुमने खुद मैनेज करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है फ़ीस अर्न करना कि नहीं? तो मैं बता दूं, ये पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये सोच के मत आना कि बहुत इजी जॉब है, आप बड़ी आसानी से अपनी फ़ीस अर्न कर लोगे। तो $15,000 6 माह अगर आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे रहे हो तो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। रातों को आप जॉब्स करते हो, दिनों को यूनिवर्सिटी जा रहे होते हो, तो बहुत मुश्किल से, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो, तुम इधर रियलिटी नहीं बताते कि इतनी ज़्यादा फीसिस हैं, स्टूडेंट्स कैसे अर्न करते हैं ये भी बताओ। तो मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उन्हें उनसे जो स्टूडेंट इधर आते हैं पढ़ते हैं, उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि पाकिस्तान में स्टूडेंट ने सिर्फ पढ़ना है, इधर आपने जॉब्स भी करनी है, पढ़ना भी है, अपनी फीसिस भी निकालनी है, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को जागना पड़ेगा। तो ये मैं बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इधर इतना आसान काम नहीं है। आप मतलब आ रहे हो तो ये सोच के मत आना कि बहुत इजी है, मतलब बहुत आसानी से मैं अपनी फीस अर्न कर लूँगा या बहुत स्टैंडर्ड की जॉब्स मिलेंगी आपको। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, आपको उसके बाद कार वॉश करनी पड़ेगी, आपको रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने पड़ेंगे, आपको लोगों की गाड़ियाँ धोनी पड़ेंगी। मैं भी जब पहले दिन आया था मैंने भी बर्तन धोए थे। और जॉब्स करनी पड़ेंगी और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बट ऑन दी अदर साइड, जब आप अपना डिग्री पूरी कर लेते हो, अपना कोर्स पूरा कर लेते हो, लेकिन आपको उसका एंड पे रिवार्ड भी मिलता है, और वो डबल रिवार्ड मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में स्टडी करते हैं, तो उनके मुकाबले में आपको उसका डबल रिवार्ड मिलेगा। ये भी मैं बता दूँ, मेहनत है लेकिन उसका फल भी मिलेगा, रिवार्ड भी मिलेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप मेहनत कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले सोच के आएँ कि मैं अपना माइंडसेट बना के आएँ कि मेहनत करनी है, फिर एंड पे मुझे उसका रिवार्ड मिलेगा। तो ये आप सोच के आएँ, ये मत सोच के आएँ कि बहुत इजी काम है इधर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगली बात आती है कि तीसरे स्टूडेंट्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होती है, जो जनरली आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं। इनकी क्या टाइप होती है कि ये लोन लेके पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो उधर से पे कर देते हैं, तो बाकी ये कहते हैं कि हम उधर जाके अर्न करेंगे और अपने पैसे जो उनसे यहाँ पर वापस भेजेंगे, जो हम लोन लेके ऑस्ट्रेलिया आए हैं, और बाकी अपनी खुद फ़ीस अर्न करेंगे और वो भी उधर से ही देंगे। तो मैं ऐसा बता दूं भाई, अगर आपको कंसल्टेंट कह रहा है ना कि बड़ा पीस ऑफ केक है या बहुत ईजी है, यहाँ आपको पैसे कमा के अपनी फीसिस भी देना और पीछे भी भेजना, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि $14,000-15,000 6 माह की फ़ीस आप करो और आप सोचो कि मैं $10,000 पीछे भी भेज रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। ऑस्ट्रेलिया में पैसे हैं लेकिन ये नहीं है कि पेड़ों पे लगे हुए हैं कि आप सुबह उठे हैं तो जितने दिल किया पेड़ से उतार के अपनी फीसिस भी दे दी और अपने पीछे भी भेज दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सोच के मत आना कि बहुत ईजी है, आपको टफ़ टाइम मिलेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट एट दी एंड अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप इसका फल, आपको आपका इसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो आगे से मैं नई वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे। तो ये जो उनसी तीसरी टाइप मैंने आपको स्टूडेंट्स की बताई है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ये इनके लिए आपको अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो आप एक सही ट्रैक पर जा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन हैं, कैसे ये सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ही
क्रिटिकल इशू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे बात करनी चाहिए और गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आगे से जो मैं नई वीडियोस बनाऊँ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।